नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र की लालाराम नगर में संस्था देवपथ द्वारा जगह जगह नेत्र शिविर का आयोजन 4 सितंबर 2023 को किया जा रहा है। इसीलिए संस्था के नाम से शिविर के प्रचार के लिए होर्डिंग्स लगाए गए थे, जिसे जानबूझकर शुक्रवार रात असामाजिक तत्व द्वारा शिविर के आयोजन के पूर्व होर्डिंग्स फाड़ दिए गए, जिसके कारण लाभार्थी जो कि इलाज के लिए जरूरतमंद की संख्या प्रभावित होगी। ऐसे देवकार में संस्था और संस्था के लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहीं मुकेश राजावत जो कि 5 नंबर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार की दावेदारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए होर्डिंग्स फाड़े गए हैं, जिसकी शिकायत बीजेपी नेता द्वारा पलासिया थाने में की गई है और मांग की गई है कि ऐसे लोगों पर तुरंत ही कार्रवाई की जाए। हमारी संस्था देवपथ द्वारा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के सभी वार्डों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में 4 सितंबर को लालाराम नगर सामुदायिक भवन में निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी किए जाएंगे। उसके प्रचार प्रसार हेतु हमने 15-20 होर्डिंग बड़े साइज के लगाए थे, उनमें से आधे होर्डिंगों को कल किसी शरारती तत्वों द्वारा फाड़ दिया गया, काट दिया गया। उसमें विशेष रूप से मेरे चेहरे को काटा गया है, तो उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है। उसी की शिकायत लेके हम यहाँ पर आए हैं और हमारा तो मानना है कि जब देवी कार्य होते हैं तो कोई ना कोई आसुरी शक्तियाँ उसमें विघ्न डालने आती है, परंतु ठीक है, हमने पुलिस में शिकायत कर दी है, तो ऐसे असामाजिक तत्वों को कड़ा से कड़ा दंड मिले। क्योंकि आप 5 नंबर क्षेत्र से दावेदार भी हैं, भाजपा की तरफ से आप दावेदारी कर रहे हैं, तो भाई राजनीतिक द्वेषता तो इस मामले में दिखाई नहीं देती है? अब ये तो मैं स्पष्ट नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पुलिस को दिया है हमने, तो जांच करके पुलिस ही ये पता कर पाएगी कि इसके पीछे किसकी साजिश है। अपना परिचय दे। मुकेश सिंह राजावत, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और संस्था देवपथ का संयोजक। ये देवपथ संस्था है, इनके द्वारा नेत्र शिविर लगाकर जो आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है, तो उसके पोस्टर जगह जगह प्रचार हेतु लगाए गए थे थाना क्षेत्र में, पलासिया थाना क्षेत्र में, तो कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वो पोस्टर फाड़ दिए गए हैं, तो इस संबंध में शिकायत की है। सर, क्या राजनीतिक पोस्टर थे या जो आवेदन देने आपको क्या कहना था? नहीं नहीं, राजनीतिक पोस्टर नहीं है, नेत्र शिविर लगाया है, उसके मतलब लोगों तक सूचना पहुंचे इस हेतु ने पोस्टर लगाए थे। क्या चुनाव के पहले कोई राजनीतिक माहौल तो नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं। क्योंकि सर इसमें एक ही व्यक्ति को टारगेट करके, एक ही व्यक्ति के लेकिन नेता को टारगेट किया है, टारगेट करके फोटो हटाया है, वो अब जांच का विषय है, मेरे पास इसमें किसी का नाम आया नहीं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।